हेलो स्टूडेंट्स, आज एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स का लास्ट पार्ट, पार्ट 5, जिसमें हम लोग मोल कॉन्सेप्ट के बारे में डिटेल्स में स्टडी करेंगे। तो लास्ट 4 पार्ट में मैंने आपको एटम्स, स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स, एटॉमिक मास, इसके बाद केमिकल फॉर्मूलाज कैसे लिखते हैं एंड ऑल, इन सब के बारे में डिटेल्स में आपको बोल दिया है। इस पार्ट में हम लोग डिटेल्स में पढ़ेंगे अबाउट मोल कॉन्सेप्ट। ज़्यादातर स्टूडेंट्स को ये मोल कॉन्सेप्ट समझने में थोड़ा तकलीफ होती है, तो अगर कोई ये वीडियो बस से लेकर लास्ट तक केयरफुली देख लेगा तो आई थिंक इसके बाद कोई भी प्रॉब्लम उसको नहीं रहेगा। सो स्टार्टिंग विथ व्हाट इज मोल, जैसे कि आपको पता होगा कि 12th नंबर इज इक्वल्स टू 1 dozen। हम लोग जब वर्ड यूज करते हैं 1 dozen, इसका मतलब होता है कि 12, किसी भी चीज का 12 नंबर को हम लोग बोलते हैं। कलेक्शन ऑफ 12 थिंग्स वी कॉल देम डजन। सिमिलरली ग्रॉस मतलब 144 नंबर को, किसी भी कलेक्शन को हम लोग बोलते हैं ग्रॉस। नाउ इसी तरह जैसे 1 dozen मतलब 12, 1 gross मतलब 144, उसी तरह 1 mole इज इक्वल्स टू 6.022 × 10²³ एटम्स। इतने नंबर ऑफ एटम्स को हम लोग बोलते हैं 1 mole। तो अभी ये मोल कॉन्सेप्ट जो है उसमें हम लोग डिटेल्स में पढ़ेंगे कि ये नंबर ऑफ मोल्स वगैरह, मोलर मास, ये सब कनेक्टेड कैसे, इनके फॉर्मूलास कैसे हैं। तो ये करने के लिए कुछ आपके एनसीईआरटी बुक्स के एग्जांपल्स का हेल्प लूंगा और आपको जो एक्सरसाइज जो क्वेश्चन है वो भी कुछ सॉल्व करवा दूंगा। तो इसके बाद आपको ये मोल कॉन्सेप्ट का जो थियोरी है वो एकदम क्लियर हो जाएगा। फर्स्ट थिंग इज कि ये जो चीज है ये आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा कि 1 mole इज इक्वल टू 6.022 × 10²³ एटम्स, और उस नंबर को हम लोग एवोगाड्रोस नंबर भी बोलते हैं। एवोगाड्रोस नंबर, ये जो नंबर है 6.022 × 10²³ एटम्स, इसको हम लोग एवोगाड्रोस नंबर भी बोलते हैं। तो मैं अभी ये रब कर देता हूं, कुछ क्वेश्चंस करते हैं हम लोग जिससे आपका जो भी ये मोल कॉन्सेप्ट का जो डाउट्स वगैरह है वो सब क्लियर हो जाएगा। एक चीज मोल कॉन्सेप्ट में ये मैं इधर लिख के रख रहा हूं, किसी भी सब्सटेंस का 1 mole इज इक्वल्स टू मोलर मास ऑफ दैट सब्सटेंस। किसी भी सब्सटेंस का मतलब मान लो जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, 1 mole ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विल बी इक्वल टू द मोलर मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, और 1 mole इज इक्वल टू क्या होता है, एवोगाड्रोस नंबर। अगर किसी ने ये चीज अपने दिमाग में रख लिया तो कोई भी क्वेश्चन जो है वो इजी हो जाएगा सॉल्व करना, फिर कोई प्रॉब्लम ही नहीं रहेगा। जैसे आपका एनसीईआरटी में कुछ एग्जांपल्स है उसको हम लोग डायरेक्ट फॉर्मूला से भी कर सकते हैं, डायरेक्ट फॉर्मूला से कर सकते हैं, मतलब डायरेक्ट फॉर्मूला में वैल्यूज पुट करके कर सकते हैं। पर डायरेक्ट फॉर्मूला बिठा के हर क्वेश्चन हम लोग सॉल्व नहीं कर सकते, उसको करने के लिए यूनिटरी मेथड चाहिए। क्यों चाहिए, डिफरेंट क्वेश्चंस में मैं आपको समझा दूंगा। मैं आपको डायरेक्ट फॉर्मूला से भी पुट करके दिखाऊंगा और यूनिटरी मेथड से भी करके दिखाऊंगा। तो आपके बुक में जो फॉर्मूलास दिए हुए हैं फॉर्मूलास में एक बार लिख लेता हूं, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू गिवन मास बाय मोलर मास, गिवन मास बाय मोलर मास, ये एक फॉर्मूला आपके बुक में दिया हुआ है। तो पहले चलो एक क्वेश्चन ले लेते बुक से जो ये फॉर्मूला यूज करता हो, और उसी सेम क्वेश्चन को मैं यूनिटरी मेथड से भी करके आपको दिखा दूंगा। मैं यूनिटरी मेथड से इसलिए कर रहा हूं क्योंकि इसके बाद मैं एक क्वेश्चन लेने वाला हूं जो नॉर्मल फॉर्मूला अप्लाई करके आंसर नहीं आएगा, जिसमें हम लोग यूनिटरी मेथड अप्लाई करना ही पड़ेगा। तो चलो आपको बुक का एक क्वेश्चन ले लेता हूं।
क्वेश्चन है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ 52 ग्राम ऑफ हीलियम, 52 ग्राम ऑफ हीलियम। तो बुक का जो क्वेश्चन है वो दिया है कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ 52 ग्राम ऑफ हीलियम। तो जैसे हमें फॉर्मूला दिख रहा है नंबर ऑफ मोल्स ढूंढना है, तो डायरेक्ट ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, गिवन मास बाय मोलर मास। तो गिवन मास कितना है यहाँ पे, गिवन मास हमारा है 52 ग्राम, और हीलियम का मोलर मास कितना होता है, मोलर मास जैसे मैंने लास्ट वीडियो में आप लोगों को सिखाया कि मोलर मास कैसे ढूंढा जाता है, हीलियम है Hg, हीलियम का जो एटॉमिक मास है वो है 4, तो हीलियम का मोलर मास कितना हो जाएगा 1 × 4 ग्राम। तो यहां पे मिल गया हमारा गिवन मास इक्वल्स टू 52 ग्राम और मोलर मास इक्वल्स टू 4 ग्राम। तो डायरेक्ट हम अभी फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू गिवन मास यानी कि 52 ग्राम बाय 4, तो ये कितना आएगा 4 × 1 = 4, 4 × 3 = 12, तो नंबर ऑफ मोल्स कितना आया 13। तो ये जैसे कि ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन डायरेक्ट फॉर्मूला से भी हो सकता है, डायरेक्ट फॉर्मूला से अगर 2 मार्क का क्वेश्चन हुआ तो ही सॉल्व हो सकता है, अगर क्वेश्चन 3 मार्क का हुआ या उससे ज्यादा हुआ तो डायरेक्ट हम लोग फॉर्मूला अप्लाई करके नहीं निकाल सकते, उसके लिए भी मैं एक एग्जांपल दूंगा आपको कि वहां पर फॉर्मूला अप्लाई नहीं हो सकता। लेकिन इसी सेम क्वेश्चन में जिसमें हमने फॉर्मूला अप्लाई किया, अगर फॉर्मूला अप्लाई ना करके हम लोग अगर यूनिटरी मेथड से इसको सॉल्व करेंगे तो प्रोसीजर क्या होगा, तो मैंने जैसे आपको बताया कि हमेशा ये याद रखना, अपने दिमाग में ये घुसा देना कि 1 mole = molar mass = atomic mass number। इस क्वेश्चन में दिया है अबाउट हीलियम, कैलकुलेट द नंबर ऑफ 52 ग्राम ऑफ हीलियम, 52 ग्राम ऑफ हीलियम यहाँ पे क्वेश्चन दिया है हीलियम का, यानी कि अगर हम लोग ये सोचेंगे कि 1 mole of helium = molar mass of helium, तो मोलर मास कितना है हीलियम का 4 ग्राम, लास्ट में हमने देखा 4 × 1 = 4 ग्राम, तो 4 ग्राम ऑफ हीलियम में कितना मोल होगा, 4 ग्राम ऑफ हीलियम में यहां पे लिखा हुआ है मोलर मास इज इक्वल्स टू 1 मोल, तो मोलर मास कितना है हीलियम का 4 ग्राम, तो 4 ग्राम ऑफ हीलियम में कितना मोल होगा 1 मोल। ये तो आपको समझ में आ गया होगा क्योंकि मैंने ये जो चीज है हर क्वेश्चन में ये अप्लाई होगा, 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस इज इक्वल टू मोलर मास ऑफ दैट सब्सटेंस इज इक्वल टू एवोगाड्रो नंबर, तो यहां पे है हीलियम, तो 4 ग्राम ऑफ हीलियम यानी मोलर मास ऑफ हीलियम यानी 4 ग्राम इज इक्वल टू 1 मोल, तो अभी 1 ग्राम ऑफ हीलियम में कितना मोल होगा, 1 ग्राम ऑफ हीलियम में होगा 1/4 मोल। जैसे क्वेश्चन पर के मैं पहले समझ गया कि यहाँ पे मास दिया हुआ है, मोल ढूंढने के लिए बोला है, तो दैट मींस सिर्फ हम लोगों को सिर्फ इन दोनों चीज की जरूरत है, इसलिए मैंने एवोगाड्रो नंबर को हटा दिया और ये 2 से मैं कर रहा हूँ, क्वेश्चन देख के समझ में आ जाएगा कौन सा यूज करना है। तो 1 gram of helium = 1/4 mole, लेकिन हमें कितना ग्राम ढूंढने के लिए बोला है 52 ग्राम, तो 52 ग्राम ऑफ हीलियम कितना हो जाएगा 1/4 × 15 मोल्स, कितना हो जाएगा 52 कितना आ जाएगा 13, तो ये आ जाएगा 13, देखो आंसर सेम आया। तो ये किया मैंने यूनिटरी मेथड से, यूनिटरी मेथड सीखना इसलिए जरूरी है क्योंकि कुछ कुछ क्वेश्चंस में फॉर्मूला से डायरेक्ट आंसर नहीं आता है। तो चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन एक करते हैं, पहला वाला फॉर्मूला से मैंने ये आपको प्रूफ करके दिखा दिया कि नंबर ऑफ मोल्स इक्वल्स टू गिवन मास बाय मोलर मास। अभी और एक फॉर्मूला है वो भी सेम है, नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स बाय एवोगाड्रो नंबर, गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स बाय एवोगाड्रोस नंबर, एवोगाड्रोस नंबर मतलब क्या 6.022 × 10³³। तो चलो आपका बुक का और एक क्वेश्चन ले लेता हूं, इसको भी पहले फॉर्मूला से सॉल्व करेंगे फिर इसको सॉल्व करेंगे यूनिटरी मेथड से। आपका क्वेश्चन है कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स, कैलकुलेट
the number of moles of, calculate the number of moles for, calculate the number of moles for 12.044 into 10 to the power 23 number of helium atoms. हमें मोल फाइंड करना है इतने नंबर ऑफ एटम्स में. तो अगर हमने फॉर्मूला अप्लाई किया कि नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स, कितना पार्टिकल्स दिया हुआ है 12.044 into 10 to the power 23 by Avogadro's number. Avogadro's number is 6.022 into 10 to the power 23. ये कट हो जाएगा, 6.022 into 2 आ जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 2, 2 moles. तो ये फॉर्मूला से तो आ गया. अब इस सेम चीज जो है इसको हम लोग यूनिटरी मेथड से कैसे कर सकते हैं? यहां पे देखो, मोल ढूंढने के लिए बोला, पार्टिकल्स दिया गया, यानी कि ये जो थॉट प्रोसेस में मेरा ये और ये यूज होने वाला है, मोल और एवोगाड्रोस नंबर. तो हमें पता है कि एवोगाड्रोस नंबर इज इक्वल्स टू वन मोल, यानी कि 12.044 इन सॉरी 6.022 एवोगाड्रोस नंबर है 6.022 इनटू 10 टू पावर 23 नंबर ऑफ एटम्स में होगा वन मोल. तो वन एटम में कितना मोल होगा? वन एटम में होगा वन बाय, ये से नीचे चला जाएगा, 6.022 इनटू 10 टू पावर 23 मोल्स. लेकिन हमें कितने एटम्स के लिए पूछा गया है? हमें पूछा गया है इतने एटम्स के लिए. तो 12.044 इनटू 10 टू पावर 23 एटम्स में कितना होगा? 1 बाय 6.022 इनटू 10 टू पावर 23 इनटू 12.044 इनटू 10 टू पावर 23 मोल्स. यही ये कट जाएगा 2. यूनिटरी मेथड से भी आसानी से वही सेम आंसर आ गया. ओके, अभी आप एक क्वेश्चन ऐसे लेते हैं हम लोग जिसमें फॉर्मूला से डायरेक्ट आंसर नहीं आ सकता, उसमें हमें ये यूनिटरी मेथड यूज करना ही पड़ेगा. ये भी आपको बुक का क्वेश्चन होगा. आपका बुक का क्वेश्चन ये है कि व्हिच हैज which has more number of atoms, more number of atoms, 100 gram of sodium or 100 grams of iron or 100 grams ऑफ आयरन. तो हमें क्वेश्चन ये पूछा गया कि 100 ग्राम्स ऑफ सोडियम में ज्यादा आयरन है, सॉरी ज्यादा एटम्स है, या 100 ग्राम्स ऑफ आयरन में ज्यादा एटम्स है. तो उसके लिए ढूंढने के लिए फर्स्ट हमें ढूंढना पड़ेगा कि सोडियम के 100 ग्राम्स में कितना आयरन होगा. फिर हम लोग ढूंढेंगे कि 100 ग्राम्स ऑफ आयरन में कितना पार्टिकल्स होगा. पहले ढूंढेंगे 100 ग्राम्स ऑफ सोडियम में कितने पार्टिकल्स होगा, फिर हम ढूंढेंगे कि 100 ग्राम्स ऑफ आयरन में कितना पार्टिकल होगा. फिर दोनों मिल जाएगा तो हम लोग बोल सकते हैं कि इसमें ज्यादा है या इसमें कम है. तो पहले सोडियम का क्या होगा? तो इसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स ढूंढने के लिए बोला है और ग्राम में दिया हुआ है, दैट मींस हमें ये दोनों लेना पड़ेगा, मोलर मास और एवोगाड्रोस नंबर. तो सोडियम का मोलर मास कितना है? सोडियम का एटॉमिक मास है 23 ग्राम, तो मोलर मास भी होगा 23 ग्राम. तो 23 ग्राम ऑफ सोडियम में कितना पार्टिकल्स होगा? ये तो हमें पता है जितना मोलर मास होता है इज इक्वल टू एवोगाड्रोस नंबर. तो 23 ग्राम ऑफ सोडियम में होगा एवोगाड्रोस नंबर, यानी 6.022 इनटू 10 टू द पावर 23 एटम्स. मोलर मास इज इक्वल टू एवोगाड्रोस नंबर. मोलर मास किसका मोलर मास? क्वेश्चन है सोडियम का, सोडियम का मोलर मास. सोडियम का मोलर मास कितना है? 23 ग्राम. तो 23 ग्राम ऑफ सोडियम में कितना होगा एवोगाड्रोस नंबर? 6.022. तो अगर 23 ग्राम में 6.022 है तो 1 ग्राम में कितना होगा?
6.022 into 10 to the power 23 by 23, इतना एटम्स होगा। और हमें ढूंढना है कि 100 ग्राम में कितना होगा। 100 ग्राम ऑफ सोडियम इज इक्वल टू 6.022 इन टू द पावर 23 बाय 23 इनटू 100। तो अभी इन दोनों को डिवाइड करना है, तो इतना बड़ा जब नंबर होता है हम लोग कैसे डिवाइड करते हैं, तो न्यूमरेटर है उसको डिनोमिनेटर से थोड़ा बड़ा कर देते हैं। तो पॉइंट अगर इधर उधर चला गया तो ये बन जाएगा 60.22 इनटू द पावर 23। यहां से एक 10 चला गया, एक 0 रहेगा, 24 या 23, एक 0 मैंने इधर डाल दिया, एक 0 बचा 24 डिवाइडेड बाय 23। तो 60 को हम लोग जब 23 से डिवाइड करेंगे, तो 60.22 डिवाइड करने की जरूरत ही नहीं है, 60 को 23 से डिवाइड करें, ये शॉर्टकट है। तो आंसर आएगा कुछ 2.617 इनटू 10 टू द पावर 24। 23 से करेंगे तो आंसर आएगा कुछ 2.617 इनटू 10 टू द पावर 24 एटम्स। तो ये याद रखना कि सोडियम में कितना आया, 2.617 10 to the power 24 एटम्स। नाउ हमें देखना है आयरन। तो आयरन के लिए आपको पहले जानना पड़ेगा कि व्हाट इज द एटॉमिक मास ऑफ आयरन। एटॉमिक मास ऑफ आयरन इज 56 ग्राम, यानी मोलर मास आयरन का कितना होगा, 56 ग्राम। तो 56 ग्राम ऑफ आयरन में कितने एटम्स होंगे, 6.022 इनटू 10 टू द पावर 23 एटम्स। तो 56 ग्राम में अगर 6.022 इनटू 10 टू द पावर 23 एटम्स है, तो 1 ग्राम ऑफ आयरन में कितना होगा, 6.022 इनटू 10 टू द पावर 23 बाय 56 एटम्स। तो 100 ग्राम में कितना होगा, 100 ग्राम ऑफ आयरन में कितना एटम्स होगा, 6.022 बाय 56 इनटू 10 टू द पावर 23 इनटू 100 एटम्स। तो 656 से छोटा है तो न्यूमरेटर बड़ा कर देते हैं, पहले 60.22 लिख देते हैं, तो यहां से भी एक आ जाएगा बाय 56। तो अभी पूरा डिवाइड करने का जरूरत नहीं है, अगर 50 को भी हम लोग 60 से डिवाइड कर देंगे, 60 को 56 से डिवाइड कर देंगे तो कुछ आएगा 1.075 इनटू 10 टू द पावर 24 एटम्स। तो ये प्रोसीजर यूज करके हमने 100 ग्राम्स ऑफ सोडियम में इतना एटम्स होगा 2.617 और 100 ग्राम्स ऑफ आयरन में इतना एटम्स होगा। तो ये प्रोसीजर यूज करके हमने ये निकाल लिया कि ज्यादा एटम्स किसमें होगा, सोडियम में। होप ये जो आपको यूनिटरी मेथड है जो अप्लाई करना पड़ता है वो आपको इजी लगा हो, या फिर ये कॉन्सेप्ट आप समझ लियो। तो ये अभी हो गया है, आपको बुक का ही क्वेश्चन है, अभी हम लोग कुछ एनसीईआरटी का क्वेश्चन कर लेंगे। ओके नाउ स्टूडेंट्स, अभी कुछ और एग्जांपल्स कर लेते हैं आपकी बुक से, एनसीईआरटी बुक से। एनसीईआरटी के पीछे टेक्स्टबुक क्वेश्चन में जो क्वेश्चन नंबर 7 है उसका बी करते हैं। क्वेश्चन कुछ ऐसा है, व्हाट इज द मास ऑफ 4 moles of aluminium। इसे यहां पे दिखाई दे रहा है कि मोल्स और मास का क्वेश्चन पूछा गया है, दैट हम लोग ये यूज करेंगे। तो एल्यूमिनियम का एटॉमिक मास कितना है, एटॉमिक मास है 27। तो एल्यूमिनियम का मोलर मास कितना हो जाएगा, 27 ग्राम, यानी 27 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम इज इक्वल टू 1 मोल। यही है ना, मोलर मास इक्वल टू 1 मोल, यानी 27 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम इज इक्वल टू 1 मोल। तो हमें पूछा गया कि 4 मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम में कितना ग्राम होगा। 1 मोल में अगर 27 है तो 4 मोल में कितना हो जाएगा, 4 into 27 ग्राम ऑफ एल्युमिनियम। 4 into 27 कितना हो जाएगा, 4 into 28 ग्राम ऑफ एल्युमिनियम। Here students, तो अगर आप यूनिटरी मेथड से करोगे तो आपका आंसर कभी गलत आएगा ही नहीं और आप कहीं पे स्टक होगे भी नहीं। इसलिए 1 मोल में 27 ग्राम, 4 मोल में 108 ग्राम। यहाँ क्योंकि हमें पता है मोलर मास ऑफ सब्सटेंस इक्वल्स टू 1 मोल ऑफ द सब्सटेंस, तो एल्युमिनियम का मोलर मास है 27 ग्राम, तो इसलिए 1 मोल इक्वल्स टू 27 ग्राम, 4 मोल इक्वल्स टू 27 × 7। कुछ और क्वेश्चन करते हैं, चलो क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 दिया है, कन्वर्ट
into mole. Convert into mole. चलो क्वेश्चन नंबर बी करते हैं. 20 ग्राम वाटर बोला है कि 20 ग्राम वाटर को मोल में कन्वर्ट करो. तो वाटर है H2O, उसका मोलर मास कितना होगा? 2 × 1 + 16 हो जाता है 18. यानी 18 ग्राम ऑफ वाटर होता है वन मोल. ठीक है, 18 ग्राम ऑफ वाटर इज इक्वल टू वन मोल. अगर 18 ग्राम ऑफ वाटर वन मोल है, हमें पूछा गया 20, तो 1 ग्राम ऑफ वाटर कितना होगा? 1/18. और हमारा क्वेश्चन 20 ग्राम ऑफ वाटर कितना होगा? 1/18 × 20 मोल. यानी 2 × 9 = 18, 2 × 10 = 20, 10/9 मोल. अगर चाहो तो इसको पॉइंट में भी लिख सकते हो. नाउ 10/9, फिर इसको पॉइंट में 1.1 मोल भी लिख सकते हो. तो ऐसे निकालते हैं हम लोग यूनिटरी मेथड से. ये अगर दिमाग में रह गया कि 1 मोल इज इक्वल टू मोलर मास इज इक्वल टू एवोगाड्रोस नंबर, तो कोई भी क्वेश्चन हम इस फॉर्मूला से कर सकते हैं. चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. अब बुक से ले लेते हैं एनसीईआरटी के. चलो क्वेश्चन नंबर 9. 9 क्या दिया होगा? व्हाट इज द मास ऑफ, तो नंबर बी कर लेते हैं, 0.5 मोल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स. 0.5 मोल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल. तो हमें पता है 1 मोल ऑफ वाटर में कितना मास रहता है. व्हाट इज द मोलर मास ऑफ वाटर? लास्ट क्वेश्चन में हमने निकाला 18 ग्राम. यानी कि 1 मोल में रहता है 18 ग्राम. तो 0.5 मोल में कितना रहेगा? 0.5 × 18 ग्राम यानी कि 9 ग्राम. डियर स्टूडेंट्स, तो ऐसे हम कोई भी क्वेश्चन ऐसे यूनिटरी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं. चलो अभी आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं. क्वेश्चन नंबर 10 क्या दिया है? क्वेश्चन नंबर 10 दिया हुआ है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिड प्रेजेंट इन 16 ग्राम ऑफ सॉलिड. एसिड प्रेजेंट इन 16 ग्राम ऑफ सल्फर है शायद. हाँ, सल्फर. यानी कि अभी हमें एवोगाड्रोस नंबर यूज, नंबर ऑफ पार्टिकल्स पूछ लिया है ना, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स यानी नंबर ऑफ पार्टिकल्स पूछ लिया है. तो पहले हमें S8 का मोलर मास जो है वो निकालना पड़ेगा. S8 का मोलर मास निकालना पड़ेगा. तो S का सल्फर का होता है 32 ग्राम एटॉमिक मास. तो S8 का कितना हो जाएगा? 32 × 8 आता है 256. तो हमें पता है कि 250 मोलर मास इक्वल्स टू एवोगाड्रोस नंबर, यानी 256 ग्राम ऑफ S8 इज इक्वल्स टू होगा एवोगाड्रोस नंबर होता है 6.022 × 10²³ नंबर ऑफ एटम्स. तो 256 ग्राम ऑफ एसिड में इतना होगा. क्वेश्चन में हमें पूछा गया है कि 16 ग्राम का निकालना है, तो 256 में इतना है, तो 1 ग्राम में कितना हो जाएगा? 6.022 × 256 × 10²³ नंबर ऑफ एटम्स. तो 16 ग्राम में कितना हो जाएगा? 16 ग्राम ऑफ एसिड इक्वल्स टू 6.022 × 256 × 10²³ × 16. तो इसको अगर ये किया जाए तो 8 × 16 = 32 × 16. तो कुछ आंसर आता है 6.022 × 16. तो चलो इसको सॉल्व करते हैं. पॉइंट को अगर मैं एक तरफ उधर ले जाऊं तो 16.22/16. अगर ऐसा बड़ा नंबर आ जाए तो सबसे इजी वे ऑफ कैलकुलेटिंग है कि 16 6 से छोटा है. अगर पॉइंट को मैं एक तरफ उधर ले जाऊं तो 60 हो जाएगा. 16 से बड़ा हो जाएगा. इसके बाद सिंपली उसको 60 को 16 से डिवाइड कर दो. अगर 16 को 60 से डिवाइड कर दोगे तो हमारा आंसर आ जाएगा.
तो अभी 16 को 16 से डिवाइड करने से, डिवाइड करने के बाद आपके पास यहाँ पे 22 हो जाएगा। 16 को 16 से डिवाइड करने से आप हमारे पास आंसर आएगा कुछ 3.56 × 10^22 नंबर ऑफ एटम्स। तो क्वेश्चन सब सही लिखा मैंने, तो हो गया 250। कैसे निकाला 256 ग्राम ऑफ एसिड इज इक्वल टू 6.22 के पीएच मोलर मास इक्वल टू एवोगाड्रोस नंबर होता है 1 ग्राम में होगा इतना, तो 16 ग्राम में होगा इनटू 16 कर दिया, तो इसके बाद शॉर्ट करने के बाद आ गया 16, तो 66 को हमने 60 बना दिया, यहां पे 10^23 था तो 1 पॉइंट इधर आ गया, तो ये हो गया 10^22। फिर 60 को जब 16 से डिवाइड करेंगे 3.576 आएगा, 3.76 × 10^22 नंबर ऑफ एटम्स, ये है हमारा आंसर। तो आपको प्रोसीजर समझ में आ गया होगा कि कैसे करते हैं एंड ऑफ। चलिए तो और एक क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ एल्यूमिनियम आयन्स, कैलकुलेट द नंबर ऑफ एल्यूमिनियम आयन्स present in 0.051 gram of aluminium oxide। okay, ये क्वेश्चन बड़ा ही इंटरेस्टिंग है क्योंकि यहां पे हमने हमें पूछा गया है कि एल्यूमिनियम आयन्स के बारे में, तो एल्यूमिनियम आयन्स के बारे में निकालने के लिए पहले प्रोसीजर देखिए, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, देखने में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग सकता होगा कि आयन्स का कैसे हम लोग निकालेंगे, नंबर ऑफ आयन्स कैसे निकालेंगे, पार्टिकल्स कैसे निकालेंगे, सिर्फ एल्यूमिनियम आयन्स में कितना है, सुनने में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन करने में बहुत ही इजी है। पहले हम लोग एल्यूमिनियम ऑक्साइड का फॉर्मूला लिख लेते हैं, एल्यूमिनियम ऑक्साइड कैसे लिखोगे फॉर्मूला, एल्यूमिनियम ऑक्सीजन, एल्यूमिनियम का वैलेंस 3:2, तो ये आ जाएगा Al2 और इधर आ जाएगा O3। अभी एल्यूमिनियम का वैलेंसी हमें पता है कि 27 है, तो इसका मोलर मास कितना आ जाएगा 2 × 27 + 3 × 16, 27 × 54 = 16, 3 = 48, तो ये आ जाएगा 4802 ग्राम। तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड का जो हमारा मोलर मास है ये है 102 ग्राम। तो मोलर मास तो निकालना आपको आता ही होगा, अगर डाउट है तो हमारे एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स के जो पार्ट 4 है उसमें मोलर मास मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है, वहां पे जाके आप ये देख सकते हो। तो एल्यूमिनियम का मोलर मास, एल्यूमिनियम ऑक्साइड का मोलर मास होगा 102 ग्राम। तो मोलर मास इज इक्वल्स टू एवोगाड्रोस नंबर, तो 102 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड में कितने एटम्स होंगे 6.022 × 10^23 एटम्स। 1 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड में कितना होगा 6.022 × 10^23 डिवाइडेड बाय 102, और 0.051 ग्राम में कितना होगा 6.022 × 10^23 डिवाइडेड बाय 102 × 0.051। तो 0.051 इसको अगर पॉइंट हटा दिया तो यहां से 23 से हो जाएगा 20, 6.022 × 10^20, क्योंकि 3.0 घर बाद अगर हटाना है इस तरह से पॉइंट हटाना है तो 1000 करना पड़ेगा, तो मैं यहां से 1000 ले रहा हूं, 3.0 ले रहा हूं, तो यहां पे 20 बचता है, तो यहां पे आ जाएगा कुछ हमारा 51। तो 51 2 इसको अगर कट किया 2 3 6, तो मेरा आंसर आ गया 3.011 × 10^20। तो 0.51 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड में होगा 3.011 × 10^20 नंबर ऑफ एटम्स। पर क्वेश्चन गौर से पढ़िए, यहां पे सिर्फ दिया है हमें कि एल्यूमिनियम आयन्स का नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितना होगा, तो हमारा जो क्वेश्चन है क्वेश्चन का आंसर इसमें है एल्यूमिनियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड में कितने एल्यूमिनियम आयन्स है, कितने एल्यूमिनियम एटम्स है, 2, क्योंकि Al2O3 ऑक्सीजन का 3 एटम है, एल्यूमिनियम का 2 एटम है, तो हम लोग ऐसे लिखेंगे नंबर ऑफ एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम का वैलेंसी है 3 प्लस या फिर प्लस लिख सकते हैं, नंबर ऑफ एल्यूमिनियम आयन्स एटम्स इन
Al2O3 is equals to 2, दो एटम से। तो हमें पूछा गया है कि इतने ग्राम एल्युमिनियम ऑक्साइड में कितना एल्युमिनियम होगा, तो देयरफॉर 0.051 ग्राम ऑफ एल्युमिनियम ऑक्साइड इज इक्वल्स टू 2 इनटू जॉब, आंसर आया 3.011 इनटू 10 टू द पावर 20, ये हो जाएगा 6.011 इनटू 10 टू द पावर 20। तो स्टूडेंट्स, होप कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा, ये समझ में आया होगा ये लेक्चर। अगर कुछ भी डाउट हो जैसे कि ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन के बारे में, या अच्छा यहाँ पे 22 होगा, 6.022, कुछ भी क्वेश्चन के बारे में, किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो या आपका कुछ भी डाउट हो जो समझ में नहीं, आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। इसके बाद मैं वो जो आपका कमेंट सेक्शन में जो भी ये आएगा मैं उसको अटेंड करने का कोशिश करूंगा। और इसके साथ ही हमारा ये जो एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स का पार्ट है वो खत्म होता है। होप आपको सारा वीडियो समझ में आया होगा। और इंस्पिरेशन ट्यूटोरियल में हम बहुत ही जल्दी एक वर्कशॉप अरेंज करने वाले हैं फॉर क्लास 9 स्टूडेंट्स, जहाँ पे और भी बहुत सारे शॉर्ट ट्रिक्स सिखाए जाएंगे साइंस के बारे में, मैथ्स के बारे में। तो हमारे चैनल सब्सक्राइब कीजिए, अपकमिंग वीडियोस में उसका लिंक्स और डिटेल्स बोला जाएगा। तो तब तक के लिए स्टूडेंट्स, कीप स्टडीइंग हार्ड, ऑल द वेरी बेस्ट।